लाए हैं। अब गौरा जी को जो प्रणाम करने लगी तो गौरा जी ने सोचा लाओ हम भी प्रणाम कर लें, इन्होंने माला डाली है तो हम भी माला डाल लें। तो जो ही माला डालने चली तो वहां दिखाई पड़े भगवान राम जी अंदर। सोचा अब तो गड़बड़ हो जाएगी। बोले क्या गड़बड़ हो जाएगी? सीता हृदय देखी रघुराई, सती जन्म की सुधी तब आई। सीता सती जन्म की तब सुधी आई। और सती जन्म की सुधि तब आई। सोचा ये वही राम हैं जिनके चक्कर में भोले बाबा 87,000 वर्ष तक नहीं बोले थे, बस सीता का रूप ले लिया था मैंने। और पता लगे अब की माला हम डाले गले में सीता जी के, वो पड़ गई इनके गले में, तो बड़ा झंझट खड़ा हो जाएगा। फिर राम जी अब फिर तो भगवान भोलेनाथ अब की बिल्कुल छोड़ ही देंगे। इसलिए यही सोची यही देखी गिरिजा घबरानी। बोले खसी माले मूर्ति मुस्कानी। घबरानी घबरा गई गौरा जी, कहीं माला हम डाले सीता के गले में पड़ गई जाकर के राम के गले में तो गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए हाथ में कंपन हो गया, हस्त कमल कांप गए और माला खिसक गई, छूट गई घबराहट में भक्ति माला खिसक। इस चौपाई की तो अनंत भाव दिए गए भक्तों, लेकिन तो एक सुने आप। बोले और क्या सोचा सीता गौरा जी ने सीता को माल्य अर्पण करने के लिए माला डालने के लिए? बोले जब सीता कर माल उठाई तो शंका प्रगट भई उर माही। सीता जी जब गौरा जी को माला डालने चली तो उनको भी शंका आई। वो क्या सोच गई? सीता जी ने सोचा कि मैंने सुना है कि भगवान शिव अर्धनारीश्वर हैं, आधे अंग में शिव हैं, आधे अंग में गौरा जी रहते हैं। और एक पुराण की बात है, कोई ये पुराण से संबंधित बात है। पुराण में ऐसा है कि ब्रह्मा जी ने अलग किया फिर रुद्र को और मैया पार्वती को। तो सीता जी ने सोचा कि यदि पता लगे हम माला डालें इनके गले में और शिव जी कहें आधा भाग हमारा होता है।
तुम्हाला पुण्य अंग माडरी है। सीता ने सोचा कि पता लगे आधे भोले बाबा होते हैं और आधी पार्वती मैया होती हैं, और माला हम छोड़े तो भवानी का है हमारे गले में पड़ी और बाबा का है हमारे गले में पड़ी, तो लड़ाई करेंगे दोनों लोग। ऐसा विचार आया तो क्या किया सीता जी ने, अस विचार मिथिलेश कुमारी माला अर्ध अंग मह डारी, आधे अंग में माला छोड़ी। अब आधे अंग में मूर्ति पर माला रखोगे तो खिसक जाएगी, तो रुकी न माल धरनी पर आनी, और खसी माल मूरत मुस्कानी। एक ही भाव है भक्तों, बहुत भाव है। खैर ये तो माला खिसकने के भाव हुए, लेकिन मैं थोड़ा आज धनुष की भी चर्चा करना चाहता, इसलिए बोले माला तो खिसकी लेकिन मूर्ति क्यों मुस्कुराई, इसकी भी एक किंवदंती है बड़ी सुंदर। कहते हैं कि भोले बाबा तो मसान में शमशान में रहने वाले, भोले बाबा का विवाह हुआ जब तो चले आ रहे थे। मैया गौरा ने सोचा हो सकता है दूसरा जन्म ले लिए हैं, दूसरा शरीर मिल गया है, तो कुछ बदलाव आ गया होगा बाबा में। लेकिन पता लगे तो जब ते जाय सती तन त्यागा, तब से शिव मन भयो बैरागा। पहले तो कुछ सोचते भी थे, सती जी चली गई तो बिल्कुल बैरागी हो गए, कोई मतलब नहीं, बस कथा मिले सोई कथा सुनाते जहां भी देखते। तो सोचा कुछ तो बदला होगा बाबा ने, तो आ रही थी, गांव पढ़ रहे थे, नगर पढ़ रहे थे, पता लगे ब्रह्मा का नगर लोक पड़ा, तो पूछा बाबा ये किसका गांव, अपना गांव है? कहा अपना नहीं है, अरे ये तो ब्रह्मा जी का है। फिर आगे बढ़ी तो पता लगे विष्णु जी का परा गांव, तो पूछा क्या बाबा ये अपना गांव है? कहा नहीं ये अपना नहीं है, ये तो मेरे भगवान का है। अच्छा तुम्हारे भगवान का इतना बढ़िया गाँव है? बोले हाँ। फिर आगे बढ़े तो एक गांव और पड़ा, एक नगर पड़ा, कहा ये तुम्हारा है, आपका है, अपना? कहा नहीं नहीं ये तो इंद्र का है, देवताओं के राजा इंद्र का गांव है। तो कहा बाबा अपना गांव कितनी दूर है? पता लगा चलते 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 एक बरगदा का वृक्ष पड़ा और राखी के ढूहा पड़े थे इधर उधर, हड्डियां लुढ़क रही थी खोपड़ियां, और जाके बाबा वृक्ष के नीचे बैठ गए। जैसे वृक्ष के नीचे बैठे मैया पार्वती ने कहा बाबा कहाँ रुक गए आप? अरे ये तो कोई शमशान लग रहा है, यहाँ से जल्दी निकल चलो। तब भोले बाबा बोले देवी ये अपना गांव है। तो भवानी चौंक गई, ये तुम्हारा क्या विनोद कर रहे हो महाराज? कहा नहीं विनोद नहीं करे, सांची कह रहे हैं। अरे कहा यहाँ तो हड्डियां लुढ़क रही है, खोपड़ियां लुढ़क रही है, और तुम कह रहे हो अपना गाँव है?
तो कहा कि नहीं नहीं देवी, मैं इसी में रहता हूं, यही अपना घर है बरगदा, इसके नीचे हम बैठते। बोले किसके नीचे भगवान शिव बैठते? बोले बरगदा की छांव। बरगद है क्या? बट विश्वास, विश्वास की छांव में रहते मेरे भोले बाबा। कहा देवी हम तो शमशान वासी हैं, शमशान में रहते हैं। शमशान का मतलब ये होता है जहां पर सबकी शान सम बराबर, समान बराबर, चाहे राजा हो चाहे फकीर हो, सबकी शान बराबर। सम में जो रहता है वो महादेव है, जो बराबर में रहता है न घमंड है न कोई दुख है। जो बराबर में रहना सीख गया, तराजू होता है तराजू की नोक ऊपर होती है, बराबर में रहे वही ठीक है, इधर उधर रहेगी तो गड़बड़ होगा। तो आप बराबर में सम में रहना जान जाए कि न सुख का कोई घमंड ना दुख का कोई दुख, बराबर मेरे जिसमें रखे राम राजी रहो, बस समझ लो कि आप महादेव। महादेव तो कोई वही हो सकता जो शमशान में रहे, बराबर शान में, बराबर में रहे, बाकी तो सब देव है। अच्छा एक बात, चलो छोड़ो बहुत बात बात में बात नहीं करो। तो भगवान से बोले अपना गांव है यहाँ। बोले बाबा हम नहीं रहने वाले इस तुम्हारी शमशान में, तो क्या करें देवी? कहा कुछ तो करो, क्या करें? तो कहे घर बनवा लो। एक ग्रंथ के अनुसार भगवान शिव ने घर बनवाया। कैसा घर बनवावे? कहा वैसे मुझे जचता तो है नहीं घर वर, कभी मेरे भाग्य कोष में नहीं है घर। कहते हैं ना भक्त वृंद, धन धन भोले नाथ तुम्हारे कौड़ी नहीं खजाने में, और तीन लोक बस्ती में बसा है बाबा आप बसे वीराने में। वीराने का मतलब, वीराने का मतलब दूसरा नहीं, दूसरे के उसमें नहीं, वीरान माने जहां पर कुछ नहीं है, बिल्कुल मैदान खाली खाली सुनसान, उसमें बसे भोले बाबा। तो कहा तुम कहती हो तो बनवा लेंगे। तो एक बार बनवाया और पता लगे उसको भी रावण का पिता विश्रवा मांग ले गया, फिर से कंगाली आ गई। तो मूर्ति क्यों मुस्कुराई, घटना तो ये बतानी है। कई सवाल मेरे पास अभी हैं लेकिन अब जितना समय उसी में जो कुछ। तो एक बार लक्ष्मी जी गई इनके घर शमशान में, वहां तो देखा सब राखी पड़ी हुई है इधर उधर, गौरा जी न जाने कैसे रह रही है। तो जाकर के कहा बहन आप तो बहुत गरीब हो, आपके भोले बाबा कुछ नहीं बना पाए अभी तक। ते भवानी कहने लगी क्या बताऊं, तो भोले भाले हैं और भोले भाले आदमी क्या बना सकते हैं। अब दो नंबर वाला आदमी ज्यादा बढ़ेगा सच्चाई के रास्ते पर चलने वाले। अब पता लगे दो नंबर का मतलब है वो भगवान सबको बराबर देता है, पिता सबको बराबर, परमात्मा सबको बराबर देता है, लेकिन पता लगे आप देखते जा रहे हो हमारी थाली है, हम उसी का खाएंगे उसी का पाएंगे, और पीछे वाला चकर मकर कर रहा उसकी भी मिल जाए थोड़ा खींच लें, इसकी भी मिल जाए खींच लें, तो ज्यादा कौन बढ़ेगा? जिसके पास ज्यादा आएगा उसका भी छीन लिया, इसका भी, इसका भी ले लिया, बढ़ गया आगे, ये हो जाता है। लक्ष्मी जी धनवान है लेकिन गौरा जी गरीब है, लेकिन भोले बाबा महायोगी हैं, योग करते हैं, कोई दुख नहीं कोई सुख नहीं। एक दिन गई लक्ष्मी जी और जब पूछा तो कहा भाई आपके बाबा कुछ नहीं बनवा पाए, लेकिन आप चाहो तो मेरे यहाँ आओ, हम तुम्हें कुछ मदद कर देंगे, तो मेरी बहन हो इसलिए। तो लक्ष्मी जी ने उनको बुलावा दिया। गौरा जी बोली देखो बाबा जब जगेंगे तो पूछेंगे तो फिर आएंगे। तो कहा हाँ आना, जी चाहे उतना ले जाना। तो भोले बाबा जब समाधि से निकले तो पार्वती बोली बाबा थोड़ा जाना है लक्ष्मी जी के वहां, क्या चले जाएं? बोले क्यों अकस्मात लक्ष्मी जी के वहां जाना है? कहा नहीं वो लक्ष्मी जी आई थी तो बुलावा दे गई हैं घर पर, बुलाया है। कहा कोई चक्कर वक्कर तो नहीं? चक्कर कोई नहीं है महाराज, लेकिन वो कह रही थी ना तुम गरीब हो तो इसलिए मेरे घर आना, कुछ तुमको हम मदद कर देंगे। बाबा को लगा धक्का अब तो गड़बड़ हो जाएगी, ए मदद कर देंगी लक्ष्मी।
कहा देवी जा रही हूँ लेकिन मुझे उचित नहीं लगता कोई हमारी मदद करे, कल को फिर उंगली उठाएंगे। उनकी लक्ष्मी जब देखो तब उंगली उठाएंगे कि मैंने ही तुमको इतना बड़ा बना दिया, इतनी मदद की थी। कहा नहीं नहीं बाबा, बहन है तो ऐसा कुछ नहीं कहेंगी, आप कहें तो। भगवान शिव जान गए, मानेंगी तो है नहीं, सती रही तो पिता के यज्ञ में जाने को मैंने मना किया तब भी नहीं मानी, अब कैसे मानेंगी, अब तो बहन के वहां जाना। इसलिए बोली ठीक है, बाबा बोले ठीक है जाओ, लेकिन एक काम करना। गए और एक पत्ता लिया और जाकर के एक राखी का धुआं था, राखी पड़ी हुई थी उसमें से थोड़ी राखी उठाई और पुड़िया बांध दी, ले पार्वती इसे ले जाओ और इसके बराबर जो लक्ष्मी दे सोई लाना, ज्यादा न लाना। लो पारा चढ़ गया पार्वती का, अब कैसे उनको गलत सलत कहें, लेकिन पति हैं इसलिए कुछ नहीं बोल पाए, अंदर ही अंदर बहुत नाराज हो गई। बाबा लगता है भांग खाए बैठे, इस पुड़िया में क्या आएगा, इसमें क्या चढ़ेगा भाई, इस पुड़िया में क्या, इससे अच्छा न जाएं, वहां जाएंगे पांव दर्द करेंगे, इतनी दूर दौड़ के जाएं और फिर इस पुड़िया के बराबर लाए। फिर विचार आया कोई बात नहीं, बहन है ना, पुड़िया ले जाएं, शायद जाएंगे वहां और बहन है कहेगी पुड़िया ले लो और बाकी जास्ती बांध देगी तो हम कहेंगे बाबा जास्ती दे दिया तो हम क्या करें। इस निमित्त वहां पहुंच गई लक्ष्मी जी के वहां, और जब लक्ष्मी जी के वहां गई तो लक्ष्मी ने देखा आ गई बहन पार्वती और इसकी हम मदद कर देंगे, चलो बेचारी गरीब है मदद कर। इस विचार से उन्होंने बड़ा सम्मान किया, वह भगत की बिठाया, आसन दिया और भोजन पानी करवाया। फिर बाद में बोले कि अच्छा बताओ क्या लाई हो, किसमें ले जाओगी, कुछ वाहन वाहन लाई हो, मेरे यहाँ तो अंबार भरा पड़ा है। वाहन क्या लाए हैं कुछ मत पूछो, सब गड़बड़ हो गई। क्या गड़बड़ हो गई, गड़बड़ ये हो गई ना, बुढ़ऊ हमारे वहां क्या कैलाश पर बैठे बाबा, सोई लगता आज न जाने कैसे भांग वांग खाई के बैठे थे। क्या हुआ, हुआ क्या, एक पुड़िया बनाए के दिए हैं, बोले इसके बराबर लाना, ज्यादा लाना ना। तो लक्ष्मी जी कहने लगी तुम्हारे भोले भी बड़े विचित्र, कोई मदद भी करना चाहे तो न करे। अरे बताओ, हम तो तुम्हारी मदद करना चाह रहे थे, तुम मेरी बहन हो और वो पुड़िया बांध के दिए, अब बताओ इसमें क्या चढ़ेगा, कुछ जाएगा इसके बराबर में, क्या हम दे दें आप। ऐसा करो बहन, तुम जी चाहे ले जाओ, बाबा की बात अलग रखो। पार्वती कहने लगी भाई देखो बहन, एक बात कहें, जैसे भी हैं वो हमारे अपने हैं और हमारे पति हैं, पहला मेरा धर्म यही बनता कि मैं उनका कहना मानूं, उसके बाद में दूसरी बात। तो लक्ष्मी जी बोली तो क्या करोगी, क्या करेंगे, क्या पहले आप ऐसा करो पुड़िया के बराबर दे दो मुझे, मेरे शंकर ने कहा है, शिव जी ने कहा है, और बाद में तुम बहुत मदद मेरी करना चाह रही हो तो तुम अपने आप झोरा लदा दो, कहेंगे बाबा से कि भाई मेरी बहन ने जास्ती दे दिया है तो ले आए। लक्ष्मी जी कहने लगी ठीक है, पुड़िया रखी गई तराजू पर और पता लगे लक्ष्मी लाई सोना थोड़ा सा और रखा उस पर पुड़िया वजन पलरा टंगा जिसमें आभूषण रखे, फिर गई फिर सोचा कि पुड़िया ज्यादा बज, फिर जाए के लाए फिर रख दिया, लेकिन फिर भी वो टंगा का टंगा ऊपर पुड़िया वाला नीचे। आश्चर्य कि पुड़िया इतनी छोटी है और आभूषण इतना चढ़ गया। फिर गई जाकर के लाई फिर रखा, फिर भी वो जैसा का तैसा। अब लाने लगी लक्ष्मी, बार बार जाए बार बार रखें, फिर पता लगे जितना था सब रखने लगी, लेकिन